दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग बता देंगे और जल्दी से बता दीजिए कि क्या मैं लाइव आ चुका हूं, ताकि आपको मेरा ऑडियो वीडियो चेक एक बार मुझे दे दीजिए, ताकि इस अमेजिंग से सेशन की मैं शुरुआत कर सकता हूं फिर। राइट, यस 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 सर, फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग आ जाएंगे, है ना। चलो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, अभी हम लोग यहाँ पे एकदम जबरदस्त चीज पढ़ेंगे, दैट इज फेमा से रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं, फेमा से रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चीजों को देख रहे हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। फेमा से रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चीजें देख रहे हैं और फेमा से रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं। फटाफट फटाफट जुड़ जाएंगे सारे के सारे लोग। मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं बेटा, सारी चीजें जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया पूरा फेमा आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं, है ना। पूरे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अपने दो शेड्यूल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, बस वो छोटे से पोर्शन को फिनिश ऑफ करेंगे और उसके बाद अपनी सारी चीजें हो चुकी है क्या। यस, देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था सर, सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्टिव देखा था। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, दूसरा मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। ये अपना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, फेमा कितना एक्सटेंड होता है बेटा, तो फेमा एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया के टुवर्ड्स। इसके अलावा जितने भी ब्रांच ऑफिस और एजेंसीज जो आउटसाइड इंडिया और पीआरआई उसको कंट्रोल करता है, तो उसके ऊपर भी फेमा लगता है। तीसरी, अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मान लीजिए कोई पीआरओ आए है और वो ऑफिसेज अगर इंडिया में डालता है, तो वहां पे भी क्या फेमा की एप्लीकेबिलिटी आती है क्या? जी हां, वहां पे भी फेमा की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। अब मैं डेफिनेशंस की बात करूं आपके साथ, तो सेक्शन नंबर 2 यहां पे डेफिनेशन से चर्चा करता है। सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 2 ऑथराइज पर्सन को कहता है। तीन लोग आते हैं, ऑथराइज डीलर जैसे यूजुअली बैंक्स वगैरह होती है, दूसरा मनी चेंजर, तीसरा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जो अल्टर करता है, किसको करता है? असेट को, लाइबिलिटीज को और कंटिंजेंट लाइबिलिटी को, किसके? पीआरआई के। और ये सारी तीनों चीजें कहां पे? बाहर है इंडिया के, तो ऐसे केस में वहां पे अल्टर करता है। दूसरा, अगर कोई पीआरओ आए है और वो अगर उसके अल्टर हो रहे असेट एंड लाइबिलिटी जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसे भी हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं क्या? हां सर, उसे अपन लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का नाम यहां पे देते हैं। डेफिनेटली उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का नाम यहां पे दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझे क्या? इतना, यस सर, इतना हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अपन लोग और क्या क्या देख रहे हैं। अब अगर मैं बातचीत करूं आपके साथ, तो सर हम लोग फिर देख रहे हैं यहां पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। चार चीजें आती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर, कौन सी चार चीजें आती है जरा बताइए? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के पेमेंट्स आते हैं, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन आते हैं, नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आते हैं, तीसरा रेमिटेंस। यहां पे समझना, तीन लोगों के, पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन के रेमिटेंस, और इसके अलावा फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल केयर का खर्चा, ये सारी चीजें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में चले जाती है। फिर अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करूं, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। दूसरा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो बनाया फॉरेन करेंसी में, पेबल इंडियन करेंसी में, बनाया इंडियन में, पेबल फॉरेन में, तो ये तीनों चीजें फॉरेन करेंसी में आने वाले। इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है? ड्राफ्ट्स आता है, ट्रैवलर्स चेक आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट यहां पे बन जाते हैं। फिर अपन लोगों ने और क्या देखा सर? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया देखा। पहला क्राइटेरिया है पीआरआई होने का, कि पिछले साल देख लो 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रहे तो उसे पीआरआई क्लासिफाई कर दो, ठीक है सर, ये एकदम आसान हुआ। उसके अलावा आप देखो और क्या बोला गया। फिर बोला गया करंट ईयर में अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बाहर जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है तीन पर्पसेस के लिए, तो अपन लोग उसको पीआरओआई क्लासिफाई कर देंगे। वो तीन पर्पस कौन से हैं सभी लोग बताएंगे मुझे? पहला है बेटा एम्प्लॉयमेंट के लिए, दूसरा है बिजनेस के लिए, और तीसरा अनसर्टन पीरियड के लिए अगर वो जा रहा है तो वो पीआरओआई क्लासिफाई हो जाएगा सर। लेकिन अगर वो ये तीन कारण के लिए कोई पीआरओआई मतलब भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति इंडिया में आ रहा है, तो अपन उसको पीआरआई क्लासिफाई कर देते हैं क्या? हाँ सर, उस व्यक्ति को पीआरआई यहां पे क्लासिफाई कर दिया जाता है तीन कारणवश अगर वो आ रहा है तो। क्या बोल रहा हूं मैं, सभी लोग बताइए मुझे, है ना। तो यहां पे अगर टाइम अगर वो सेम चीजें यहां पे आ जाती है। फिर अपन ने और क्या क्या देखा बताइए? अच्छा, एक और चीज देखे थे, एक आरबीआई का सर्कुलर आया है कि अगर कोई पर्सन एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर जाता है, समझना, अगर कोई पर्सन एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर जाता है ना, तो उसे अपन लोग पीआरओआई क्लासिफाई कर देंगे बिल्कुल। कोई एयर होस्टेस इंडिया में रह रही है 182 डेज से ज्यादा, पर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रही है ना, कि एम्प्लॉयमेंट के वजह से आ रही है सर, एम्प्लॉयमेंट के वजह से आ रही है, ऐसा अपन ने यहाँ पे देखा था, इन्होंने यहाँ पे बताए थे। देखो एयर होस्टेस वाला इन्होंने एग्जाम्पल भी आलिया वाला यहाँ पे देके रखा है कि वो एम्प्लॉयमेंट के वजह से आ रही है, तो ऐसे केस के अंदर अपन लोग
उसको क्या क्लासिफाई करेंगे, सर उसे PROI ही रहने दिया जाए, वो भले इंडिया में ज्यादा दिन बिता रही है फिर भी उसे अपन लोग PROI कहने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कहने वाले हैं, ठीक है। फिर अपन लोगों ने और क्या क्या देखा था सर? फिर हम लोगों ने देखा था करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में सबसे पहले शेड्यूल वन देखा, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके लिए हमारे पास फॉरन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, हम आपको फॉरन एक्सचेंज नहीं देने वाले हैं अगर आप क्या करते हो, अगर आप ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास आते हो तो। सबसे पहले लॉटरी विनिंग, दूसरा बोला गया हॉर्स राइडिंग, समझना बात को, दूसरा क्या बोला गया यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग करके, है ना, ये वाली चीज हुई। फिर तीसरा अपन लोगों क्या देखेंगे सर? तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा बोला जा रहा है, मान लीजिए अपने को परचेस करें, बाहर में कोई लॉटरी हो रही है और अपने को वहां की टिकट परचेस करना है तो अपन लोग अलाउ करेंगे क्या नहीं करेंगे सर? चौथा क्या बोला जा रहा है बताइए मुझे सर? कोई इंडियन कंपनी ने जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, समझना, टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्या बोला मैंने, टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अगर वो कोई एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स का तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर का कमीशन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। फिर बोला गया जहां पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल होता है वो डिविडेंड बाय द कंपनी देने के लिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। फिर अगर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट हो रहा है तो ऐसे केस के अंदर कमीशन अलाउड होता है क्या वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर? नहीं सर, कमीशन अलाउड नहीं होता है। लेकिन अगर आप यहां पे चाय सुट्टे का यहां पे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू चलता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू यहां पे चलने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जमा क्या, यस सर। फिर उसके बाद क्या देखा अपन ने? पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज से रिगार्डिंग देखा कि अगर कॉल बैक सर्विसेज की बात यहां पे हो रही है तो जो भी उसके पेमेंट है ना वो सारी चीजें यहां पे आ जाती है। फिर अगर रेमिटेंस ऑफ द इंटरेस्ट इनकम या फंड्स इन NRSA अकाउंट, जो भी NRSA अकाउंट के अंदर यहां पे जितना भी रेमिटेंस वगैरह हो रहा है वो सारी चीजें भी उसके अंदर आई क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर आ जाती है क्या? यस डेफिनेटली आ जाती है। शेड्यूल टू में अपन ने देखा कि ये ट्रांजेक्शन्स को आप कर सकते हो, क्या देखा शेड्यूल टू में बोलो? ये ट्रांजेक्शन्स को आप कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको किसका अप्रूवल चाहिए सर? इसके लिए, समझना बात को सर, इसके लिए किसका चाहिए बोलो? इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट का चाहिए, बोलो किसका चाहिए? गवर्नमेंट का, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पे परमिशन चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि अगर कल्चरल टूर, सलमान भाई दबंग टूर मारते बेटा, ये कल्चरल टूर होता है तो इसके लिए इनको मिनिस्ट्री ऑफ HRD की परमिशन लगती है ना। उसके बाद सेकंड वाली चीज का ध्यान रखना, सेकंड क्या बोला है यहां पे? सेकंड बोला है फॉरेन प्रिंट मीडिया, क्या बोला? अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है फॉरेन के प्रिंट मीडिया में, अमेरिका के न्यूज़पेपर में आपको प्रिंट, मतलब प्रिंट मीडिया हो रहा है अमेरिका के न्यूज़पेपर में, ठीक है, तीन चीजों को छोड़ के अगर आपको प्रमोशन, पधारिए गुजरात में तो बोला जा रहा है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग, ये तीन चीजों को छोड़ के अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या PSU $10,000 से ज्यादा का खर्चा करती है फॉरेन प्रिंट मीडिया में, उसको अपन बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ले लेना, क्या ले लेना बोलो ना? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ले लेना, क्या आप बात को समझे क्या? सारे के सारे लोग बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझे क्या? यस सर, एकदम फैंटास्टिक तरीके से हम लोग चीजों को समझ रहे करके, है ना। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, तीसरी चीज देखो जबरदस्त तरीके से क्या बोला जा रहा है सर। यह बोला गया है यहां पर कि अगर कोई PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अगर वो कोई क्या कर रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, समझना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और वो अगर यहाँ पे फ्रेट को, वो अगर वेसल को चार्टर्ड करवा रहा है, वेसल को ला रहा है, वेसल मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शिपिंग के जो चार्जेस, फ्रेट चार्जेस होते हैं ना, उसके रेमिटेंस के लिए आपको मोस्ट की परमिशन लगती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ किसकी, सभी लोग बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की परमिशन यहाँ पे लगने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे लगने वाली है क्या? आप इस बात को समझे क्या, है ना? यस सर, एग्जैक्टली परफेक्ट है। उसके बाद देखो और क्या बोला गया यहाँ पे सर, और यहाँ पे बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या PSU, मतलब अगर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बेटा, वो क्या करती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर इम्पोर्ट कर रही है, बोलो क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर इम्पोर्ट कर रही है यहाँ पे ओशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वो भी CIF बेसिस पे, ध्यान रखना कौन सा बेसिस बोला है, CIF बेसिस बोला है, तो मोस्ट की परमिशन फिर से लगेंगी क्या? हाँ सर। इसके अलावा अगर कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में, मल्टी मॉडल का मतलब होता है लैंड से लेके, रिवर से लेके, ओशन से लेके, एयरवेज से लेके, अलग अलग ट्रांसपोर्ट अगर अपने को लग रहे हैं तो अपन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टर को हायर करते हैं। अगर उसका एजेंट कहीं बाहर है बेटा, तो उसके एजेंट के रेमिटेंस को अगर आपको करना है तो आपको DGS का यहां पे क्या लेना है, DGS का आपने सर्टिफिकेट मांगना है। किसका सर्टिफिकेट मांगना है बोलो? DGS का आपने सर्टिफिकेट मांगना है, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है सर। उसके अलावा और क्या क्या बोला जा रहा है जरा बताइए तो सर।
इसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स, क्या बोला है यहाँ पे, एक टीवी चैनल्स, मान लो जैसे सोनी सब वाला बाहर के वहां पे जो अमेरिका का हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला जो चैनल है उसको बोलता है तू वहां पे जितने भी शूट कर रहा है ना अमेजोन के जंगलों में जाके जो जो उटपटांग हरकतें कर रहा है ना वहां के ट्रांसपोर्टर से इधर भी मैं क्या करूंगा भारत की जनता को बताऊंगा। तो आपने हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स अगर आप पेमेंट करता है सब वाला तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का यहाँ पे क्या लेना है, परमिशन लेना है। ऐसे इंटरनेट ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के भी पेमेंट होते हैं बेटा, जिसमें अगेन मोइप का अपने को क्या लेना है, परमिशन लेना है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी परमिशन लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, परमिशन लेते हुए हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, जोरदार सर। फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा कि डिटेंशन चार्जेस, मतलब शिप को जो डिटेन किया जाता है पोर्ट पे उसके जो चार्जेस है अगर वो एक प्रिस्क्राइब रेट से ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है तो आपको मोस्ट का परमिशन यहाँ पे लेना होगा। प्रिस्क्राइब रेट कौन देने वाला है, DGS यहाँ पे प्रिस्क्राइब रेट देता है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यहाँ पे प्रिस्क्राइब रेट देता है। और ऐसे केस के अंदर वो डिटेंशन चार्जेस अगर एक अमाउंट से ज़्यादा है ना तो आपको उसको पे करना होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे करना होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्तिक वर्मा आपको टेंशन ही नहीं लेना है, मैं रोज आके रिवाइज कर रहा हूं, आप बस मेरे साथ रोज रिवाइज करते रहिए। आपको देखो नया चैप्टर है ना, आपको नहीं पूरे भारत के बच्चों को ये चैप्टर हार्ड जाने वाला है इंटरमीडिएट में, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ है। तो बार बार जब अपन रिवाइज करेंगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, समझ रहे? इसलिए जानबूझ के मेरा पर्पस था पहले थोड़ा सा हार्ड चैप्टर लेंगे ताकि बार बार जब इसका रिविजन होगा तो आपका ईज आ जाएगा। इसके बाद मैं कंपनीज एक्ट लेने वाला हूं, फिर मैं LLP पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद वो दो जो चैप्टर्स बचते हैं IOS और वो बाकी सब चीजें वो करवा देंगे, है ना। चलो आओ, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, चलो आ जाएंगे। देखो अब हम लोग बात करेंगे 8th वाले पॉइंट के ऊपर, आ रहा हूं मैं आपके साथ। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो, रेमिटेंस ऑफ द प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अब्रॉड, ठीक है, बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल या स्टेट लेवल बॉडीज इफ अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड्स $1,00,000। मतलब जबरदस्त बात बोल दी सर, क्या बात बोल दी सर, बताइए जरा हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर, थोड़ा सा डिटेल में। देखो 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 क्या कहना है मेरा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सुनो सुनो किसके बारे में बात कर रहा है, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय अ पर्सन। देखो मतलब आपने क्या किया यहाँ पे, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो रहे, किस में इन्वॉल्व हो रहे बोलो, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी में आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हो क्या? हाँ सर, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी में अपन लोग इन्वॉल्व हो रहे। कौन इन्वॉल्व हो रहा है सभी लोग बताइए मुझे। सबसे पहली बात तो अदर पर्सन इन्वॉल्व होंगे या हो सकता है कोई दूसरे व्यक्ति, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके साथ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन अदर देन इंटरनेशनल बॉडी है ना, अगर इंटरनेशनल नेशनल या स्टेट लेवल, इंटरनेशनल नेशनल या स्टेट लेवल बॉडी अगर इन्वॉल्व हो रही है तो, और उसके अलावा अदर, ठीक है। अब ऐसे केस के अंदर अगर ये वाली बॉडीज है ना बेटा, इनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अदर के केस में अगर यहाँ पे जो अमाउंट इन्वॉल्व है ना बेटा, अगर ये अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड होता है $1,00,000 से, समझना बात को, $1,00,000 से, और दूसरा अगर मैं बात करूँ ये कम होता है $1,00,000 से, तो ऐसे केस के अंदर अगर यहाँ पे कम है $1,00,000 से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर $1,00,000 से ज़्यादा है ना बेटा तो आपको परमिशन लेना है। मतलब सर क्या बोले, फिर से एक और बार बताओ ना। देखो मैं आपको चर्चा करूँ तो मैं स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी इसके बारे में बात कर रहा हूं। मान लीजिए स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज यहां पे पेटीएम स्पॉन्सर कर रहा है बेटा, किसको, अभी एशिया कप को मान लीजिए स्पॉन्सर कर रहा है, और ये कहीं बाहर है, इंडिया के बाहर एशिया कप हो रहा है, और वो जो अमाउंट दे रहा है ना वो $2,00,000 दे रहा है, तो उसको क्या परमिशन लेने पड़ेंगे, क्या लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो $90,000 देता तो उसको परमिशन लगने वाली है क्या? नहीं सर, नहीं लगने वाली है। वही अगर BCCI बेटा यहां पे $2,00,000 देता, परमिशन नहीं लगती। सर BCCI $1,00,000 देता, परमिशन नहीं लगती। BCCI $90,000 देता, परमिशन नहीं लगती, क्योंकि वो इंटरनेशनल नेशनल या स्टेट बॉडी में आ रहा है। मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट बॉडी है तो डिस्ट्रिक्ट बॉडी कहां पे आने वाला है, अदर केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट बॉडी आने वाली है। मान लीजिए नागपुर की लोकल बॉडी बेटा यहां पे $1,00,000 यहां पे दे रही है, $2,00,000 यहां पे दे रही है, तो उसको परमिशन लगने वाली है, उसको परमिशन लगेंगी। परमिशन केवल और केवल तीन लोगों को नहीं लगेंगी, इंटरनेशनल नेशनल और स्टेट, और वो भी कोई अमाउंट के लिए, कोई भी अमाउंट, कितना भी अमाउंट आप कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों बॉडी के
के अलावा जो लोग हैं अगर वो स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और वो $100,000 के ऊपर कर रहे हैं तब उनको परमिशन लगने वाली है। समझे क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या जो मैं कह रहा हूँ आपके साथ? जमा क्या है ना, हाँ सर। तो अपने को क्या देखना है? अपन देखो, सबसे पहले अपन पूछेंगे, सबसे पहले अपने को क्या सवाल आना चाहिए, कौन कर रहा है, है ना, कौन कर रहा है। इंटरनेशनल बॉडी हम बोले दे दे, कोई टेंशन की बात नहीं है सर। नेशनल लेवल बॉडी है दे, स्टेट लेवल बॉडी है दे। अदर है क्या? हाँ अदर है। अब अदर है तो अपन पूछेंगे अमाउंट कितना। अब बोले अमाउंट $100,000 से ज्यादा का है, अमाउंट क्या है $100,000 से ज्यादा का है, तो अपन बोलेंगे परमिशन लागे रे परमिशन, है ना। और बाकी अगर ऐसे केस में अगर $100,000 से कम है तो परमिशन लगने वाली है क्या? नहीं सर, फिर परमिशन यहाँ पे नहीं लगने वाली है। बस अपने को इतना ध्यान रखना है, फटाफट पढ़ेंगे किससे परमिशन लेना है, HRD से परमिशन यहाँ पे लेना है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से। फटाफट पढ़ो इसको। हो गया, आओ नाइन्थ वाले इस पे आओ। देखो रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब, क्या बोला मैंने, रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। PNI क्लब से रिलेटेड चर्चा करेंगे, ध्यान दो, सुनो बात को। देखो क्या होता है कि ये जितने भी शिपिंग कंपनीज है ना बेटा, समझना बात को, ये जितने भी शिपिंग कंपनीज है, ये शिपिंग कंपनीज ने क्या करके रखा है, ये शिपिंग कंपनीज ने एक PNI क्लब बना के रखा है। क्या बना के रखा है बोलो? PNI क्लब बना के रखा है। अब ये शिपिंग कंपनीज को इस PNI क्लब में मेंबर बनना होता है। क्या बनना होता है बोलो? मेंबर। सर मेंबर बन के क्या होता है? मेंबर बन के ये होता है बेटा कि कल चल के मान लीजिए अगर ये शिपिंग कंपनी का कोई जहाज है और वो जहाज क्या होता है, वो जहाज अगर यहाँ पे पानी में डूबता है ना, या मान लीजिए कोई भी पेरिल्स ऑफ द सी इसको किसी प्रकार से हानि पहुंचाते हैं और इसमें इनका लॉस होता है, तो ऐसे केस में ये PNI क्लब इस लॉस का इंडेमनीफाई करता है। क्या करता है बोलो जल्दी से? इंडेमनीफाई करता है। मतलब सर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि PNI क्लब एक इंश्योरेंस कंपनी जैसा है क्या? हाँ बेटा, ये एक इंश्योरेंस कंपनी जैसा ही है। जो शिपिंग कंपनीज इसके मेंबर है, इस क्लब के मेंबर है, अगर वो शिपिंग कंपनीज के जहाज को या उसके ऊपर के कार्गो को या उसके वहां पे जो लोग काम लोगा जो काम कर रहे हैं उसके अंदर या लोगा जो है वो शिप में, अगर उनको प्रोटेक्ट करने की बारी आती है या उनको इंडेमनीफाई, जो भी लॉस हो रहा है कंपनी को उसको इंडेमनीफाई करने की बारी आती है, तो ये PNI क्लब वाले मेंबर सबसे पहले सामने आते हैं और इनको पैसा देते हैं। समझ रहे है ना? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप PNI क्लब का मेंबर बनना चाहते हो तो आपको मेंबरशिप फीस देना होगा क्या? सभी लोग बोलेंगे हाँ सर, अपने को मेंबरशिप फीस देना होगा। ये मेंबरशिप फीस अगर आप देना चाहते हो तो इसके रेमिटेंस के लिए, क्या बोला मैंने, इसके रेमिटेंस के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन लगने वाली है क्या? हाँ सर, इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन लगेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन लगने वाली है। तो देखो क्या बोल दिया यहां पे, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब। तो अगर कोई शिपिंग कंपनी PNI क्लब की मेंबरशिप लेना चाहती है तो उस मेंबरशिप के लिए उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्या परमिशन लेनी होगी? हाँ सर, बिल्कुल परमिशन लेनी होगी। बस उसी के बारे में यहां पर चर्चा किए जा रहे हैं। क्या आप बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलो ना दोस्तों, क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझे क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, नहीं पूछा चौहान, अब इसके बाद नहीं, यही पढ़ाऊंगा मैं, अल्टीमेट CA के ऊपर ही मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलो आओ अब ध्यान दो यहां पे।
ये हो गया। देखो ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर आरबीआई अप्रूवल फॉर ड्रॉन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात की है। मतलब अपन ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया सर, अपन ने यहाँ पे देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन आपको कौन से चीज के लिए लग रही है सर, वो सारे ट्रांजेक्शन अपने यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब इसके बाद जो अपन देखने वाले तीसरे कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन जिसके लिए आपको किसकी परमिशन लगेंगी, आरबीआई की परमिशन लगेंगी। बोलो शेड्यूल थ्री में किसकी परमिशन लगती है, आरबीआई की परमिशन। मैं आपको दिखाना, मैं समझिए बात को, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सभी लोग फोकस करके सुनो। हम लोग सर देख रहे हैं यहाँ पे करंट अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन, कौन से देख रहे हैं सभी लोग बोलेंगे, सर करंट अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन को अपन देख रहे हैं। तो वो करंट अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन में प्रोहिबिटेड वाली कैटेगरी में कौन से है सर, वो करंट अकाउंट में जिसमें परमिशन लगने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कौन से है। और तीसरा अगर मैं बात करूं जिसमें परमिशन लगने वाली है आरबीआई की, वो कौन से है, उसके रिलेटेड या वो चर्चों से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है क्या। हाँ सर, वो सारे चर्चों से रिलेटेड यहाँ पे बात चल रही है। तो अपन ने पहला भी देख लिया कि कौन से ट्रांजेक्शन आप करच नहीं सकते, दूसरा अपन ने देखा जिसके लिए आपको परमिशन लगती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और तीसरा अभी हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं जिसके लिए आपको परमिशन लगने वाली है आरबीआई की। किसकी परमिशन लगने वाली है बोलो जल्दी से, आरबीआई की परमिशन यहां पे लगने वाली है। आप क्या बात को समझे क्या, कम ऑन एवरीवन, सभी लोग बोलेंगे जल्दी से क्या आप इस बात को समझे क्या। मैं आपको पीएनआई क्लब के बारे में ना थोड़ा सी जानकारी देना चाहता हूं, सभी लोग देखेंगे क्या होता है आखिर पी एंड आई, P and I Club। आओ देखो, ये देखो, अ प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी और पीएनआई क्लब इज अ नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल म्यूचुअल एंड अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। क्या बोला यहाँ पे, मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स टू इट्स मेंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ शिप ओनर्स, ऑपरेटर्स, चार्टर्स एंड सी फेयरर्स एज अ मेंबर कंपनीज करके। मतलब ये क्लब बनाया गया है जिसके अंदर ये चारों लोग आते हैं और ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो किसी एक कंपनी की शिप डूब जाती है तो वो एक कंपनी को रिएम्बर्समेंट देंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है उससे बदले में मेंबरशिप लेने वाले हैं क्या। मेंबरशिप शुरुआत में जब तक कोई व्यक्ति मेंबर नहीं बनता तब तक उसको कैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएंगे, आप मुझे एक बात बता दीजिए क्या, आप समझे इसको। देखो पढ़ के देखो क्या लिखा गया यहां पे, है ना। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल म्यूचुअल कोऑपरेटिव एसोसिएशन है जो केवल और केवल अपने मेंबर्स का अच्छा चाहती है, अपने मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा भला चाहती है। तो ऐसे केस के अंदर ये पीएनआई क्लब करके यहां पे बनाया गया है। जमा है क्या बोलो जल्दी से, यस सर। चलो आ जाएंगे, अब देखो यहां पे, अब मैं आ रहा हूं शेड्यूल नंबर थ्री के ऊपर आ रहा हूं। मैं किसके ऊपर आ रहा हूं सभी लोग ध्यान देंगे, शेड्यूल नंबर थ्री के ऊपर आ रहा हूं। शेड्यूल नंबर थ्री को समझने से पहले आप एक चीज को समझ लो मेरे साथ, है ना। सुनो बात को, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, मैं आपको एलआरएस स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। इसी को नाम दिया गया है यहां पे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अब ये LRS या लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या कहता है, समझिए आप बात को, ध्यान दीजिए, सुनो। मैं अगर बात करूं आपके साथ तो सर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का मतलब क्या होता है या LRS स्कीम का क्या मतलब होता है। तो सर LRS स्कीम का अगर मैं बात करूं आपके साथ तो देखिए यहाँ पे नहीं, बाद में नहीं रहेगा बेटा क्रिश, नहीं रहेगा बाद में। और वैसे भी 101 जो ये ग्रुप वन, मतलब ये बोथ वालों के लिए है, वो बाकियों के लिए नहीं है, है ना। चलिए आइए, और अब मैं अगर बात करूं आपके साथ एलआरएस के लिए, तो पूजा आप वहां से रिफंड क्लेम कर सकते हो, आप बोल सकते हो उन लोगों को कि हमको रिफंड चाहिए करके, अन अकेडमी रिफंड इशूज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अन अकेडमी रिफंड इशू नहीं कर रहा है, अगर आपने स्पेसिफिकली बैच के लिए लिया या एक समय के बाद लिया तो दे रहे रिफंड, ऐसी कोई बात ही नहीं है उसमें, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ एलआरएस से रिलेटेड, तो एलआरएस के अंदर या लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर क्या चीजों को पढ़ेंगे, इसका मतलब ये होता है। देखो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल को हम लिमिट दे के रख रहे हैं। क्या दे के रख रहे हैं बोलो, एक इंडिविजुअल को हम लिमिट दे के रख रहे हैं। इस लिमिट तक, क्या कहना है इनका, इस लिमिट तक ये खर्चा कर सकता है, ये एक्सपेंसेस कर सकता है। कौन से एक्सपेंसेस कर सकता है, हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, इस लिस्ट में जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं ना, एक इंडिविजुअल इस लिमिट तक वो खर्चों को कर सकता है, और वो भी कैसा, और वो भी बेटा विदाउट परमिशन कर सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, विदाउट परमिशन कर सकता है।
जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, सुन लो बात को, मैं आपके साथ एग्जाम्पल दूंगा पूजा का। पूजा को बेटा यहाँ पे खर्चे करना है, समझिए बात को, एक लिस्ट बना के गई है। मान लो पूजा यहाँ पे घूमी घूमी जाना चाहती है, पूजा यूएस घूमना चाहती है, लंदन घूमना चाहती है, तो पूजा घूमी घूमी करना चाहती है, तो अगर वो एक्सपेंसेस की लिस्ट में वो एक्सपेंस का नाम दिया है तो पूजा एक लिमिट तक, मान लो मैं वो लिमिट का कितना नाम दे के रखा है, ढाई लाख डॉलर तक पूजा को पूछने की जरूरत ही नहीं है, $2,50,000 तक वो बिंदास खर्चा कर सकती है, हम डीम्ड परमिशन दे के बैठे हैं। हाँ, लेकिन जिस समय वो 2.5 लाख की परमिशन से आगे अपने को जाना है ना, तो फिर यहाँ पे अपने को किसकी परमिशन लगने वाली है सर, फिर यहाँ पे अपने को RBI की परमिशन लगने वाली है। क्या आप बात को समझे, यहाँ पे अपने को किसकी परमिशन लगने वाली है, RBI की परमिशन के लिमिट के आगे लगने वाली है। ये जो लिमिट हमने सेट करके रखा है ना, ये लिमिट के आगे अपने को RBI की परमिशन लगेंगी। बस यही कहता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, मतलब जो रेमिट कर रहे हैं ना हम आपको पैसा, जो भी आपको पैसा लगेगा तो उस पैसे के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज लगने वाले। मान लो पूजा घूमने जाना चाहती है तो वहां पे बेटा रुपीज में खर्चा तो किया नहीं जा सकता, 10 रुपए दे रहे, 2,000 के नोट दे रहे, 5,000 के नोट दे रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पूजा क्या करेंगी, जाएंगी बैंक के पास, कहती है ये मेरे इंडियन करेंसी रखो, मुझे उसके बदले डॉलर दो। तो डॉलर जो यहाँ पे बैंक दे रही है ना, वो रेमिट कर रही है बैंक। तो हमने ये रेमिटेंस वाली स्कीम को लिबरलाइज कर दिया कि $2,50,000 तक आपसे कोई नहीं पूछेंगे आप कौन से पर्पस के लिए, आप घूमी घूमी जा रहे हो, आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आप रहने जा रहे हो, कुछ भी करने के लिए जा रहे हो, हम आपसे नहीं पंचायत करेंगे, ऐसा इन लोगों का यहाँ पे कहना है। समझ रहे आप बात को, बोलिए जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं, है ना। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि एक लिमिट तक सुनिए बात को, एक लिमिट तक इन्होंने लिबरलाइज कर दिया है रेमिटेंस को, कि अगर आपको डॉलर लग रहा है आप हमसे मांगिए, हम आपको डॉलर का पैसा दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ऐसा ये लोग कह रहे हैं सर। लेकिन वो लिमिट के ऊपर पैसा लग रहा है तो आप हमसे परमिशन ले लेना, हम आपको परमिशन दे दिए तो आप ले लेना पैसा, नहीं दिए तो आप वो खर्चा नहीं कर पाऊंगे। बस इतनी सी बात यहाँ पे मैं कह रहे हैं ये लोग, ठीक है। चलाओ देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आ जाओ फटाफट सारे लोग देखेंगे क्या। देखिए, फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पस विद इन द लिमिट ऑफ $2,50,000 ओनली। मतलब $2,50,000 तक अगर आप ये कोई खर्चे करना चाहते हो ना, हम आपको अप्रूवल दे के रखे हैं क्या, हाँ हमने आपको डीम्ड अप्रूवल दे के रखा है, आप उसके बारे में टेंशन मत लेना, हमने आपको डीम्ड अप्रूवल दे के रखा है, ठीक है। पहला देखो क्या, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री। मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे पूजा जो है वो घूमना चाहती है ना, पूजा यहाँ पे घूमना जाना चाहती है, कहाँ पे, लंदन घूमना चाहती है, तो अपन उसको जाने देंगे क्या, जाओ $2,50,000 तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। वियतनाम जाना चाहती है, जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप नेपाल या भूटान जाना चाहते हो ना, हम आपको उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं लेने देंगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं हम आपको। नेपाल और भूटान में आप इंडियन करेंसी लेके जाना और इंडियन करेंसी खर्चा करना, या इंडियन करेंसी जाओगे तो वहां पे चल जाएंगी आपकी इंडियन करेंसी, क्योंकि नेपाल और भूटान से अपने काफी अच्छे फ्रेंडली संबंध है, तो वहां पे अपनी करेंसी चलती है क्या? बिल्कुल चलती है सर, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। तो ऐसे केस में नेपाल और भूटान अपने ही देश है, एक काम करो, वहां इंडियन करेंसी उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मत मांगना, आपको उसको छोड़ के कहीं और जाना है तो आप उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी अवेल कर लेना, और $2,50,000 तक आप क्या फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो क्या? बिल्कुल सर यहां पे लिया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है, समझे बात को। यस सर। दूसरा देखो, गिफ्ट या डोनेशन, क्या करना है आपको, गिफ्ट या डोनेशन करना है। आओ मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो। जैसे देखो, जापान हुआ, जापान में क्या आता है बेटा, जापान में अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक आता है। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, ऐसे केस में मैं मेरे बारे में बात करूंगा बेटा यहां पे, है ना, मैं IG सर, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये अर्थक्वेक, समझिए बात को, मैं यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने क्या कहा, मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे डोनेशन, समझिए बात को, मैं डोनेशन करना चाहता हूँ कंट्री में, है ना, मैं मान लीजिए $1,000 का डोनेशन करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आपको डोनेशन देना है। या मान लो एक बेटी बेटा यहाँ पे है ना, समझिए बात को, एक चाइना में अपनी दोस्त रहती है, चाइना में दोस्त का नाम क्या है, चुंगली नाम है उसका,
तो ऐसे केस के अंदर मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ, उसका विश यू हैप्पी बर्थडे, मैं उसको गिफ्ट भिजवाना चाहता हूँ, क्या मैं उसको गिफ्ट भिजवा सकता हूँ क्या? हाँ मैं उसको गिफ्ट भिजवा सकता हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। और कब तक बेटा? डॉलर 2.5 लाख तक भिजवा सकता हूँ, ये पूरे अमाउंट मिला के 2.5 लाख डॉलर है। पूरे अमाउंट मतलब ये जितनी भी लिस्ट है ना बेटा, ये लिस्ट में एक हो, मल्टीपल हो, ट्रिपलेट हो, कितने भी हो, सब मिला के 2.5 लाख डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं क्या गिफ्ट भिजवा पाऊंगा चुंगली को? बिल्कुल भिजवा पाऊंगा, 2.5 लाख डॉलर तक कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे रोक नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखना, कोई मुझे रोक नहीं सकता गिफ्ट देने के लिए। समझ गए क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट क्या देखा कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट विजिट करना चाहता है कोई कंट्री में, अलाउड है। दूसरा अपन ने क्या देखा, गिफ्ट या डोनेशन करना चाहता है, अलाउड है, 2.5 लाख डॉलर तक बिंदास अलाउड है। उसके ऊपर गया तो परमिशन लेना, किसकी परमिशन लेना? आरबीआई की परमिशन लेना। बोलो किसकी परमिशन लेना? आरबीआई की परमिशन आपको लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर, आरबीआई की परमिशन अपने को लगती है, आरबीआई की परमिशन यहां पे मांगती है। तीसरी वाली बात, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। समझो, मैं बात करूंगा वीर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वीर के बारे में अपन बात करेंगे। ये जो वीर है बेटा, ये वीर है ना, सीए बन चुका है, और अब इसको कहाँ जाना है? इसको कनाडा जाना है बेटा। कहाँ जाना है बोलो जल्दी से मुझे? इसको कनाडा जाना है। और कनाडा क्यों जाना है? इसको एम्प्लॉयमेंट के लिए कनाडा जाना है। समझिए बात को, एम्प्लॉयमेंट के लिए कनाडा जाना है। ठीक है, जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं। सर ये एम्प्लॉयमेंट के लिए कनाडा जाना चाहता है तो क्या ऐसे फ्री में ही चले जाएगा क्या? नहीं सर, इसको पैसे लगेंगे, बराबर ना, इसको पैसे लगेंगे फ्लाइट के। फिर कनाडा पहुंचने के बाद वो जब जॉब को सर्च करेगा तो वहाँ पे रहने के, खाने के, पीने के खर्चे, मेंटेनेंस के खर्चे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं लगता है बेटा, कुछ कुछ मेंटेनेंस के खर्चे भी लगते हैं। तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि अगर आप बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो और आपको उससे रिलेटेड कोई खर्चे लग रहे हैं ना, हम आपको वो भी खर्चे लेने देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? हम क्या करेंगे आपको? हम आपको वो भी खर्चे करने देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कितने तक? 2.5 लाख डॉलर तक। सर उसके ऊपर करना चाहते हैं, आरबीआई की परमिशन ले लेना। सर मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट विजिट 1 लाख डॉलर को हुआ, गिफ्ट जो है बेटा वो मान लीजिए वो 1.5 लाख डॉलर का हो गया, 2.5 लाख डॉलर की लिमिट समाप्त हो गई। अब मैं यहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना चाहता हूं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मुझे पैसा लगेगा, इसके लिए परमिशन की आवश्यकता होने वाली है क्या? हां सर, इसके लिए परमिशन की आवश्यकता होने वाली है, इसका अपने को ध्यान रखना है। क्या आप बात को समझे क्या? बोलो सभी लोग जल्दी से बोलेंगे, है ना बेटा। सब मिला के, सबकी समझिए बात को, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस मिला के 2.5 लाख की लिमिट है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, इंडिविजुअल सर्विस वाइज 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, सारे के सारे सर्विसेज को अवेल करो तो 2.5 लाख की लिमिट की बात हो रही है यहां पे। लिमिट एक फिक्स है, उसमें से जो जो चीजें आप जैसे जैसे करते जाओगे वो लिमिट कम 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 होती जाएंगी, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं आपके साथ। समझे क्या? यस सर। अब तीसरा हुआ गोइंग अब्रॉड फॉर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, चौथा हुआ इमिग्रेशन के लिए। मतलब क्या कि आप यहाँ पे इंडिया में बोरिया बिस्तर बांध के आप चले गए फॉरेन कंट्रीज में सेट होने के लिए, इमिग्रेट कर रहे हो आप, अपने घर को ही छुटा के वहां पे शिफ्ट कर रहे हो। इमिग्रेट करने के लिए अगर आपको पैसा लग रहा है, हम आपको दे देंगे पैसा, कोई चिंता का विषय नहीं है। सर इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, जैसे कई सारे जो बच्चे लोग हैं ना बेटा, वो बाहर के देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे सिर्फ एजुकेशन का ही खर्चा होता है क्या? नहीं सर, उनके मेंटेनेंस का, उनके रहने का, खाने का, पीने का खर्चा होता है ना, तो उनके मेंटेनेंस का भी तो खर्चा होता है। तो मान लो यहां पे मिस्टर ए का बेटा गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में खर्चा नहीं है उसका एजुकेशन का, उसके अलावा वहां पे जो वो रहेगा, कपड़े खरीदेगा, बाकी सब चीजें जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है ना, उसके मेंटेनेंस के खर्चे के लिए भी क्या अपनी ये लिमिट काम आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप पैसा दे सकते हो, पूछना मत, दे डालना 2.5 लाख डॉलर तक, बस इतना हम आपके साथ कह रहे हैं। समझ रहे क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या बात को समझ रहे क्या, है ना? ओके सर, परफेक्ट है। फिर अपन ने और क्या क्या देखा? अब देखो यहाँ पे, अब अपन सिक्स वाली चीज, अच्छा पहले बता देंगे क्या क्या देख रहे हैं अपन। सर अपन देख रहे हैं एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन जो है ना, इसको लिमिट दे के रखा है कि 2.5 लाख डॉलर तक तू बिन फिक्र होके पैसा उड़ा सकता है। कौन से चीजों के लिए उड़ा सकता है? तो गिफ्ट के लिए पैसा उड़ा सकता है, डोनेशन देना है पैसा उड़ा सकता है, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरा क्या बोला जा रहा है बोलिए जल्दी से। सर प्राइवेट विजिट कर सकता है, विजिटिंग के लिए यहाँ पे पैसा
पैसा उड़ा सकता है। तीसरा किसके बारे में बात कर रहा है बोलो जल्दी से। सर तीसरा एम्प्लॉयमेंट इमिग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कर सकता है और इमिग्रेशन के लिए भी कर सकता है, मतलब बाहर तुझको सेटल होना है हो जा। उसके अलावा सर अपन लोग बात कर रहे हैं फिफ्थ में मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, मतलब कोई पहचान वाला आपका, जैसे मान लीजिए एक डैड है, उस डैड का जो बेटा सन है वो सन जाता है कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो उसको जो उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा आने वाला है ना, वो मेंटेनेंस के खर्चे के लिए भी जो पैसा भिजवाएंगे वो भी इसी लिमिट के अंदर काउंट करना है क्या? हाँ सर, मेंटेनेंस का खर्चा भी इसी लिमिट में काउंट करवा देना, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, समझे? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप बात को समझ रहे हो क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, बोल दो। अब देखो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज देखो यहां पे क्या, ट्रैवल फॉर बिजनेस और अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर मीटिंग एक्सपेंस। देखो ट्रैवल फॉर बिजनेस या अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस के लिए और स्पेशलाइज ट्रेनिंग और फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस और चेकअप अब्रॉड और फॉर अकंपनिंग एज अ अटेंडेंट टू पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप, उसके लिए भी खर्चा। सिक्स्थ वाले पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। सिक्स्थ वाले पॉइंट में दो पहलू बन के आ रहे हैं, ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इसमें दो पहलू आ रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे पहलू आ रहा है ट्रैवलिंग का खर्चा, है ना? अगर आप ट्रैवलिंग यहाँ पे कर रहे हो, फिर चाहे बिजनेस मीटिंग के लिए कर रहे हो या किसी भी चीज के लिए अगर आप ट्रैवल का खर्चा कर रहे हो ना, समझो आप बात को, ये जो ट्रैवल है ना बेटा, ये ट्रैवल का खर्चा अगर आप कर रहे हो ना उसके बारे में बात हो रहा है, या कोई कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का खर्चा आपको आ रहा है, या कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग आप करना चाहते हो, बाहर जाके कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग आपको करना है, वो सारे खर्चे के बारे में बात हुआ। और दूसरा यहाँ पे चर्चा हो रही है किसके बारे में, और दूसरी यहाँ पे बात हो रही है मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में, है ना? और मेडिकल एक्सपेंसेस, समझना बात को, मेडिकल एक्सपेंसेस पेशेंट का, है ना, पेशेंट का, मान लीजिए जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग है ना यूएस जाते हैं बेटा, तो ऐसे केस के अंदर ये जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जितना भी पैसा लगेगा, क्या वो इसी के अंतर्गत आने वाला है क्या? हाँ, वो मेडिकल एक्सपेंसेस के अंतर्गत आने वाला है, तो वो खर्चा, मतलब सर ट्रैवलिंग का भी खर्चा, मेडिकल पेशेंट का भी खर्चा। और अब पेशेंट को ऐसा नहीं बोलेंगे ना ये सलाइन पकड़ते रहे आपने और निकल जा करके फ्लाइट में ऐसा बैठे बैठे चले आना, सलाइन तो लगी चाहिए, ऐसा नहीं, उसके साथ साथ कोई ना कोई अटेंडेंट भी तो जाएगा ना बेटा, तो वो जो अटेंडेंट है वो अटेंडेंट के भी एक्सपेंसेस को अपन करने देंगे क्या? हाँ सर, वो अटेंडेंट के एक्सपेंसेस को भी अपन यहां पे लेने वाले हैं। मतलब देखो क्या क्या बोला, ट्रैवलिंग का खर्चा, पेशेंट का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, पेशेंट का खर्चा, ट्रैवलिंग, पेशेंट और अटेंडेंट। क्या बोला मैंने, ट्रैवलिंग, पेशेंट और अटेंडेंट, ये तीनों का खर्चा क्या यहां पे अलाउ कर दिया जाएगा सिक्स पॉइंट में? यस सर, अलाउ कर दिया गया है। देखिए यहां पे, है ना, देखो ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस और अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस और स्पेशलाइज ट्रेनिंग और फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, है ना, मीटिंग फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, है ना, और फॉर अकंपनिंग एज अ अटेंडेंट टू द पेशेंट अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप। तो अटेंडेंट का भी खर्चा यहाँ पे अलाउ कर दिया गया क्या? हाँ सर, अटेंडेंट का भी खर्चा अलाउड है, ट्रैवल का भी खर्चा अलाउड है, और यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट का भी, ठीक है? इसके अलावा देखो एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया, फिर स्टडीज बाहर अगर कोई पढ़ने जा रहा है बेटा तो उसका जो पढ़ाई का खर्चा है वो भी यहाँ पे आ गया, और एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर आ जाता है, ढाई लाख के लिमिट के अंदर एनी अदर ये भी चीजें आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। सभी लोग बोलो जमी है क्या, जमेस या नहीं जमेस, बोलो 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 जल्दी से, जमेस या नहीं जमेस, बिल्कुल बिल्कुल सर जमेस, ऐसी वाली बात यहाँ पे हो रही है, समझे क्या? कमऑन एवरीवन, सारे लोग बोले आपको क्या बातें समझ में आ रही है क्या, है ना? तो ये पूरे ट्रांजेक्शन्स आते हैं किसके अंदर सर, ये पूरे ट्रांजेक्शन्स आते हैं शेड्यूल नंबर 3 में, जिसमें आपको आरबीआई की परमिशन लगने वाली है अगर आप $2,50,000 के ऊपर कर रहे हो तो। देखो Any other additional remittance in excess of the said limit for the said purpose shall require prior approval of RBI, ऐसा यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं। और मैं आपको कुछ examples या कुछ आपके साथ discussion करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि अपन लोग ये discussion को पूरा close कर देंगे, एकदम बढ़िया से समझ लेते हैं मैं क्या कह रहा हूँ करके, ठीक है? देखो मैं मिस्टर ए के बारे में बात कर रहा हूँ, मिस्टर ए यहाँ पे गिफ्ट देना चाहता है $75,000 का,
दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए, क्या मिस्टर ए को परमिशन लगेंगे क्या? पहला सवाल है मेरा, क्या मिस्टर ए को परमिशन लगने वाली है क्या? और अगर लगेंगी तो कौन से ट्रांजैक्शन के लिए लगेंगी? अगर लगेंगी तो कौन से ट्रांजैक्शन के लिए लगेंगी? देखो सबसे पहली बात, परमिशन लगेंगी क्या? हाँ सर, परमिशन लगेंगे, है ना, लगेंगे। क्यों मैं बताता हूं, देखो जब पहला ट्रांजैक्शन कर रहा हूं गिफ्ट वाला, वो 2.5 लाख के लिमिट में है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करने देंगे विदाउट परमिशन। सर टोर करने जा रहा हूं 2.5 लाख के लिमिट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करने देंगे। सर मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहा है 60,000, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करने देंगे। लेकिन जब डॉलर 50,000 की बारे आने वाली है स्टडीज से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं जो हमने एक लिमिट बना के रखी है, क्या वो लिमिट क्रॉस हो रही है क्या ये ट्रांजेक्शन से? हाँ सर, वो लिमिट है ना हो रही है ये ट्रांजैक्शन से। तो जो LRS की स्कीम है, मेरा क्या सुनो ना, तो जो LRS की स्कीम बनी हुई है, क्या आपको लगता नहीं ये LRS की स्कीम, जब क्योंकि ये LRS की स्कीम क्रॉस हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर अब आपको परमिशन लगने वाली है? हाँ सर, हम लोगों को परमिशन यहां पे लगने वाली है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, हमको यहां पे परमिशन लगे, परमिशन बिल्कुल लगेंगी। और किसकी परमिशन लगेंगी? RBI की परमिशन। समझ रहे कंसेप्ट को? समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं। बोलेंगे सारे लोग, जल्दी से बोलेंगे सारे लोग, क्या आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं क्या, है ना? यस। चलिए आइए ध्यान दो। अब देखो, हाउएवर फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन 4, 7 और 8, मतलब किस किस के बारे में बात कर रहे हैं 4, 7 और 8 के अंदर? सर ये यहां पे बात कर रहे हैं इसके रिलेटेड, ये हुआ 4, ये हुआ 7 और ये हुआ 8, है ना, 4, 7 और 8। अबव इंडिविजुअल मे अवेल एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द अमाउंट एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट अंडर LRS करके। ऑब्वियस ही बात है, तो हमको पता था कि एक इंडिविजुअल ज्यादा के लिए कर सकता है, ये तो हमने को पता ही था। उसके बाद देखो, फर्दर इफ एन इंडिविजुअल रिमिट्स एनी अमाउंट अंडर सेड LRS इन फाइनेंशियल ईयर, देन एप्लीकेबल लिमिट वुड बी रिड्यूस फ्रॉम $2,50,000 बाय अमाउंट सो रिमिटेड। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि देखो, आपको $2,50,000 जो है ना वो आपके झोली में दे दिए गए, अब जब आप गिफ्ट को दोगे तो उसको कम करेंगे, लिमिट आपकी कम होंगी। फिर उसके अलावा आप टोर करोगे, फिर आपकी लिमिट और कम होंगी। फिर उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस होगा और लिमिट कम होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टडीज होगा तो फिर लिमिट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको परमिशन लेना होगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो इंडिविजुअल जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन बढ़ते जाएंगे, आपकी लिमिट कम हम लोग करते रहेंगे, ऐसा ये कहना चाहते हैं फर्दर वाले पॉइंट से, ऐसा ये बता रहे हैं। समझे क्या बात को? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से समझा। फिर देखो, फर्दर दैट फॉर द पर्सन हु इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया एंड, देखो क्या कहना चाह रहा है, ये बात कर रहे हैं फर्दर पॉइंट से रिलेटेड, मतलब इनको और कुछ कहना है आ गया, और कुछ बताना चाहते हैं ये लोग, और कुछ आगे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आइए समझते हैं, फर्दर पॉइंट से रिलेटेड समझते हैं बात को एकदम जोरदार तरीके से, कंसेप्ट को। इनका क्या कहना है कि अगर कोई पर्सन जो है रेसिडेंट लेकिन परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, मतलब क्या, अगर कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है, समझना, अगर कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है और वो भारत में 3 साल से कम रुकने वाला है, क्या बोला मैंने, भारत में आ रहा है कोई पर्पस के लिए आ रहा है और वो, समझना, वो पूरे भारत में 3 वर्ष से यानी कि 3 साल से कम इंडिया में रुकने वाला है, तो उसे हम लोग कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उस व्यक्ति को रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट का नाम हम लोग देते हैं। जैसे कि देखो क्या, For the purpose of this item, the person resident in India on account of his employment or deputation of specified duration or for a specific job या assignment, the duration of which does not exceed 3 years is resident but not permanently resident. मतलब जो इनका duration है ना, जो इनका क्या है, जो इनका duration है ना, ये duration कितने से कम है, 3 years से ये duration कम है। क्या बोला मैंने, सभी लोग बोलेंगे ये जो duration है ये कितने से कम है, ये 3 साल से ये duration कम है, ऐसा ये लोग कहना चाहते हैं। 3 साल से ये duration कम को ये लोग कह रहे हैं। समझ गए क्या बात को? Come on everyone, उसे क्या नाम दिया?
दिया जाता है सर, उसे नाम दिया जाता है यहाँ पे रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। क्या नाम देते हैं बोलो? रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट, ऐसा इनका कहना है। देखो यहाँ पे फर्दर, देखो अब मैं पढ़वाता हूँ आपको। तो यहाँ पे बोला है फर्दर अ पर्सन हु इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट एंड इज अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट या अदर देन अ पाकिस्तान, उसके अलावा इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ डेप्यूटेशन ऑफिसर या ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी। तो ऐसे केस के अंदर ये क्या कर सकते हैं ये लोग बेटा यहाँ पे, फर्दर अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल में ऑल्सो अवेल फॉरेन फैसिलिटी मोटाडिस मोटेंडिस विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब ऑफ LRS फॉर द पर्पस मेंशन अबव देयर इन। मतलब इन लोगों का क्या कह रहा है, सुनो बात को सर, इन लोगों का कहना है कि अगर ये लोग जो ये जो दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सुनो आओ ध्यान दो, देखो पर्सन है, अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, आसान में आपको करके दे रहा हूं। कोई पर्सन है जो इंडिया में आया है, किसके लिए आया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, ठीक है, किसके लिए आया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, ठीक है सर, ठीक है। ये पर्सन जो है ना अदर देन पाकिस्तान से होना चाहिए। और दूसरा, या ये पर्सन डेप्यूटेशन पे आया हुआ है। डेप्यूटेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारे जैसे आपने एम्बेसिडर्स लोग सुने होंगे, है ना, ब्रांड एम्बेसिडर्स की बात नहीं करो, फॉरेन के एम्बेसिडर्स लोग जो जो दिल्ली में आके रहते हैं, ताकि उनके देश के लोग अगर इंडिया में आते हैं और उनको अगर कोई तकलीफ होती है इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो वो उनकी मदद कर सके करके, इसलिए वो लोग यहाँ पे आके बसते हैं। तो वो डेप्यूटेशन के ऊपर आए हुए, कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए आए हुए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो इन लोगों को जो नेट सैलरी, भली देखो अब ये 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहेंगे, आप बोलोगे पीआरआई करके समझो बात को। अब इन लोगों को जो सैलरी मिलने वाली है ना, मान लो इनको सैलरी मिल रही है 10 लाख रुपए की सैलरी इनको मिल रही है, तो उसमें से जितना भी पीएफ है, जितने भी टैक्सेस है, सब कुछ कट कुट के मान लीजिए 3 लाख रुपए यहाँ पे कट रहा है, तो नेट सैलरी कितनी आ गई? नेट सैलरी आ गई सर यहाँ पे 7 लाख रुपए की नेट सैलरी आ गई। तो इनका कहना है कि ये जो नेट सैलरी है ना, ये नेट सैलरी ये भिजवा सकते हैं कहाँ पे? अपने देश भिजवा सकते हैं। कहाँ पे भिजवा सकते हैं बोलो? अपने देश। पाकिस्तान को आप समझ गए होंगे क्यों एक्सक्लूड किया है, पता चला नेट सैलरी वहां लेके गए, उसी से बॉम्ब बना के इंडिया में फेंक दिया, है ना। तो ऐसा हम नहीं करने देंगे, इसलिए बोला कोई भी व्यक्ति अदर देन पाकिस्तान अगर इंडिया में जॉब के लिए या डेप्यूटेशन पे, तो उसकी जितनी भी नेट सैलरी होंगी ना, वो नेट सैलरी हम लोग उसको अपने देश भिजवाने देंगे क्या? हाँ सर भिजवाने देंगे, लेकिन सर ये डॉलर 2.5 लाख से ज्यादा है ना, रहने दो परवाह नहीं, समझना बात को, रहने दो परवाह नहीं, पर आप उसको उसकी सैलरी ले जाने देना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे बात को, आप उसको उसकी सैलरी ले जाने देना, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, ऐसा ये लोग यहां पे बताना चाह रहे हैं। क्या आप बात को समझे? सारे के सारे लोग बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ रहे हो क्या? यस सर, जोरदार तरीके से हम लोग पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, बढ़िया से माइंड में छप चुकी है चीजें, बोल दो ऐसा, बढ़िया से माइंड में छप चुकी है करके चीजें, है ना। चलो क्या मैं आगे बढ़ू? सभी लोग बोलेंगे क्या मैं आगे बढ़ू क्या, है ना, बोलिए हाँ सर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं करके, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बात करेंगे फैसिलिटीज फॉर द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहे हैं। मतलब ये ऊपर की जितनी भी फैसिलिटीज थी ना बेटा, ये फैसिलिटीज किससे रिलेटेड थी? ये फैसिलिटीज थी बेटा यहाँ पे इंडिया के इंडिविजुअल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड थी बोलो? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सन, नेचुरल पर्सन से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही थी। अब नेचुरल पर्सन के अलावा जो लोग हैं ना, उनके लिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अदर देन इंडिविजुअल से रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलो आ जाइए, जय कह कि एक बार पॉइंट को ब्रीफ कर दो, आओ समझाता हूं। देखो मैं बात कर रहा हूं यहां पे पर्सन से रिलेटेड, इंसानों से रिलेटेड जो पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, तो पाकिस्तान वालों को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये क्या हो गया? पर्सन अदर देन पाकिस्तान हो गया, पॉप हो गया, समझ रहे हैं आप बात को? पर्सन अदर देन, अदर देन क्या हो गया बोलिए जल्दी से? अदर देन पाकिस्तान हो गया, ठीक है सर। अब ये व्यक्ति अगर इंडिया में आते हैं, दो चीजों के लिए आ सकते हैं सर इंडिया में, एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ सकते हैं, डेप्यूटेशन पे आ सकते हैं, उनके गवर्नमेंट ने उनको इंडिया में भिजवाया, तो उनको जितनी भी नेट सैलरी इंडिया में मिलेंगी ना बेटा, वो जो नेट सैलरी होंगी क्या वो अपने देश भिजवा सकते हैं क्या? यस सर, वो अपने देश भिजवा सकते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको वो भिजवा सकते हैं नेट सैलरी। जैसे 10 लाख रुपए की सैलरी थी, टैक्स पीएफ वगैरह सब कुछ कट कुटा के 7 लाख हुआ, तो 7 लाख रुपए भिजवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल भिजवा सकते हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, समझ गए क्या? कम ऑन एवरीवन, अब बताइए मुझे क्या बात को समझ गए क्या?
हाँ तो भी बेटा जय, वही तो मैंने बोला ऊपर, देखो 7 लाख रुपए था, 7 लाख डॉलर भी होंगे ना तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2.5 लाख डॉलर की लिमिट मत देखना, यहाँ पे जो 2.5 लाख डॉलर वाली जो लिमिट है ना वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। उसके ऊपर भी जा रहा है तो परमिशन लेके हम आपको अलाउ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात अच्छी नहीं है। नेट सैलरी आप भिजवा सकते हो, नेट सैलरी अलाउड होता है ऐसा। चलो हो गया, बोलो जल्दी से हो गया, आ जाइए फिर देखो। आओ अब बात करेंगे कौन सी चीज के रिगार्डिंग, आ जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फैसिलिटीज फॉर द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। किससे रिलेटेड बोलो, फैसिलिटीज फॉर द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, किसके बारे में, अदर देन इंडिविजुअल, अदर देन इंडिविजुअल से रिलेटेड चर्चा हो रही है, इंडिविजुअल्स को छोड़ के। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कॉरपोरेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर, कॉरपोरेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कंपनीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, कंपनीज से रिलेटेड चर्चा हो रही है। तो देखो, Following are the remittances by the person other than individual. तो individual को छोड़ के, individual के अलावा अगर कोई person है ना तो वहां पे आपको क्या prior approval of RBI लगने वाला है, उससे related बात कर रहे हैं। Prior approval of RBI आपको कहां कहां पे लगेगा उससे regarding बात हो रही है। Corporations के लिए, corporates के लिए बातचीत यहां पे चल रही है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं donations का, बोलिए जल्दी से मुझे, सबसे पहला किससे बात हो रही है, donations से related बात हो रही है, ठीक है सर। देखो क्या, सुनना बात को, बहुत बहुत अच्छा है बेटा, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। देखो डोनेशन, ठीक है, पहले डोनेशन का अपन अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। अगर आपको अमाउंट डिसाइड करना है तो डोनेशन के अंदर क्या अमाउंट रहने वाला है यहाँ पे, डोनेशन में देखो क्या, डोनेशन एक्सीडिंग, ठीक है सर, एक्सीडिंग, ऐसा डोनेशन जो एक्सीड कर रहा है, एक्सीडिंग का मतलब होता है ज्यादा हो रहा है, जो डोनेशन ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, पहले लिमिट एक बार देख लेते हैं। लिमिट यहाँ पे रखेगी, एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा ना, एक मिनिमम बेस लेवल की लिमिट डिसाइड कर रहा है। तो लिमिट है 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग्स ड्यूरिंग प्रीवियस 3 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या बोला, बोलो, ठीक है, ये हुआ 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग ड्यूरिंग प्रीवियस 3 ईयर्स, ओके सर। और यूएसडी डॉलर कितना है, 50 लाख, और डॉलर कितना बोला बताइए जल्दी से मुझे, यूएसडी डॉलर 50 लाख। इन दोनों में से जो भी लोअर होने वाला है, जो भी लोअर रहने वाला है, वो क्या बनेंगी, वो आपके लिए लिमिट बनेंगी, समझना बात को, वो आपके लिए लिमिट बनेंगी। ये जो अमाउंट है ना, तो मतलब ये जो ये अमाउंट है, ये लिमिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या, सबसे पहले अपने को लिमिट सेट करना है कोई भी कॉरपोरेट से रिलेटेड, तो अपन कहेंगे कि 1% ऑफ फॉरेक्स अमाउंट जो आपने पिछले 3 सालों में कमाया उसका 1%, या 50 लाख, व्हिचएवर इज लोअर, जो भी लोअर आया वो लिमिट बना। अब इस लिमिट के ऊपर अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो आपको परमिशन लेने की जरूरत है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा आपके साथ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सुनिए बात को, क्या कह रहा हूं मैं। पिछले 3 सालों में मैं बात करूंगा आपके साथ टाटा से रिलेटेड चर्चा करता हूं, ठीक है, टाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड बात करता हूं। देखो क्या हुआ, ईयर 1 में इन्होंने यहां पे 4 लाख डॉलर्स कमाए बेटा, ठीक है, कितने, 4 लाख डॉलर्स, सब मैं फिगर्स डॉलर में रख रहा हूं, 40 लाख कर डालो, एक काम करो 40 लाख। ईयर 2 में कितना कमाए यहाँ पे, ईयर 2 में इन्होंने कमाए 50 लाख डॉलर कमाए, ठीक है। ईयर 3 में कितना कमाए यहाँ पे, ईयर 3 में इन लोगों ने कितना कमाए, 60 लाख डॉलर कमाए, कितना कमाए, 60 लाख डॉलर। अब देखो क्या पड़ा, 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स में कितना हुआ यहाँ पे, सभी लोग बताएंगे, 50, 60 और 40, मतलब 150 लाख हो गया क्या, हाँ सर हो गया। अब इसका 1% कितना होने वाला है, इसका 1% अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख डॉलर हुआ, समझ गए क्या, 1.5 लाख डॉलर या 50 लाख डॉलर, 1.5 लाख डॉलर या 50 लाख डॉलर, विच एवर इज लोअर, मतलब कितना हुआ सर लोअर, यहाँ पे 1.5 लाख डॉलर। अब अगर आप 1.5 लाख डॉलर के ऊपर डोनेशन देता है टाटा,
$1.5 लाख के ऊपर डोनेशन देता है अगर टाटा, तो उसको परमिशन लगने वाली है। किसकी? तो उसको परमिशन लगने वाली है बेटा। सभी लोग बोलेंगे किसकी परमिशन लगने वाली है उसको, आप जानते हैं? हाँ सर, उसको परमिशन यहाँ पे लगने वाली है, अपने RBI की परमिशन उसको लगेंगी, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं क्या बात को? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ गए क्या? सभी लोग बोलो पटापट, क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं? सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। यस सर, आ जाओ, चलेंगे क्या आगे, बढ़ेंगे क्या? चलो ध्यान दो, देखो क्या बोला हमने, सभी लोग बताएंगे क्या बोला अपन ने यहाँ पे। हाँ सर, डोनेशन से रिलेटेड बात की, पहले लिमिट को डिसाइड कर लेते हैं। लिमिट के में क्या बोला, 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग प्रीवियस 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में आपने जितना भी 1% की फॉरेन अर्निंग, 1% ऑफ दैट फॉरेन अर्निंग्स एंड USD 50 लाख, इन दोनों के लिमिट में से जो भी लोअर वाला पार्ट होने वाला है वो लोअर वाला आपका लिमिट बनेगा। इस लिमिट के ऊपर आप डोनेशन देना चाहते हो, बिंदास दे दो, कोई प्रॉब्लम की बात अच नहीं है। तो वो डोनेशन जो आप दोगे उसके लिए आपको क्या लगेगा, उसके लिए आपको परमिशन लगेगा। और किसका परमिशन लगने वाला है सर इसमें? अपने को परमिशन लगने वाला है, बोलो किसका? सर आरबीआई का परमिशन यहां पे लगने वाला है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, देखो यहां पे सर, डोनेशन किसका? क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन अ रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो टाटा के अंदर कोई एम्प्लॉयज है बेटा, या रिलायंस के अंदर कोई एम्प्लॉयज है, या मान लीजिए कोई भी बड़ी बड़ी अदानी के अंदर कोई एम्प्लॉयज है। अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई MBA करना चाहता है इनका एम्प्लॉय, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कहेंगे एक काम करो, ये रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, इसमें हमारी चेयर कुर्सी हमारी है ना, अलग चेयर रखिए करके, हम यहाँ से बंदे भिजवाएंगे, हम यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स भिजवाएंगे, और इन स्टूडेंट के साथ डील होती है कि आप वहां पे अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करना और आने के बाद 5 साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना, और उसके बाद यू आर फ्री टू गो। समझ रहे हैं बात को? तो खर्चा कौन करता है? टाटा करता है। खर्चा कौन करता है? अदानी करता है। खर्चा कौन करता है? अंबानी करता है। और उसका बेनिफिट इनके कंपनीज को मिलने वाला है, वहां पे जब इनकी पढ़ाई पूरी होंगी तो वो वापस आ जाएंगे। तो ऐसे कि इसके अंदर क्रिएशन ऑफ चेयर्स ऐसा यहां पे कहा जाता है। दूसरा देखो क्या बोला गया यहां पे, दूसरा चीज देखो क्या बोला जा रहा है। दूसरा, बाय कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड्स प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, फंड्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं, फंड्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं, फंड्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तीसरा, कंट्रीब्यूशन टू द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी और एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोनर कंपनी करके। मतलब क्या बोला गया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। मतलब सर यहां पर बोला जा रहा है कि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर डोनेशन तो दे ही रहे हैं आपको, तो जो हम बाहर डोनेशन दे रहे हैं ना, ये डोनेशन क्या कर रहे हैं, जो डोनर कंपनी उसकी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं ये डोनेशन का कंट्रीब्यूशन आने वाला है। जैसे कि देखो, मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान दो। जैसे फॉरेन कंपनी किसी बाहर के फॉरेन के देश में अपन ने डोनेशन दिया, तो वहां से वो फॉरेन कंट्री कहती है ठीक है, आपको जो भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज लगेंगे, आपको जो भी सर्विसेज लगेंगे ना, उसके लिए हम आपको क्या देंगे, उसके लिए हम आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, आपके टेक्नोलॉजी में हम आपको सपोर्ट करेंगे करके। समझ रहे हैं बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के कंपनी ने नासा में मान लीजिए डोनेशन दिया, नासा बोलता है ठीक है तेरे को टेक्नोलॉजी में कुछ भी लगाना, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे करके। आप समझ रहे हैं बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे तीन चीजों के लिए अगर आप डोनेशन दे रहे हो, इनमें तीनों में से कोई भी हो सकता है, मेजरली वो ऊपर से क्रिएशन ऑफ चेयर वाला आता है, ठीक है? तो अगर आप यहां पे डोनेशन दे रहे हो ना, क्या दे रहे हो बोलो जल्दी से, अगर आप यहां पे डोनेशन दे रहे हो जो एक्सीड कर रहा है, कितने से एक्सीड कर रहा है, 1% ऑफ पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की फॉरेक्स अर्निंग, 1% ऑफ पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की फॉरेक्स अर्निंग, और 50 लाख विच एवर इज लोअर, और 50 लाख विच एवर इज लोअर, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर बात कर दी गई है, उससे रिगार्डिंग यहां पर चर्चा कर दी गई है। तो सर हम लोग क्या
क्या करेंगे, उसके लिए क्या पेमेंट देने वाले हैं क्या? डेफिनेटली सर, उसके लिए हम लोग यहाँ पे पेमेंट देते हुए चलेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा इन लोगों का यहाँ पे कहना है। क्या आप बात को समझे? सारे के सारे लोग जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ गए क्या? यस सर, बोल दो फटाफट जल्दी से, बढ़िया तरीके से समझ गए क्या, है ना? देखो, पढ़ो एक बार, जल्दी से रीड करो। हो गया? ठीक है सर, आ जाओ दूसरा, दूसरा बात करेंगे। कमीशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? कमीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, सुनो बात को, ध्यान दीजिए। कैसा, पहले एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ। मैं बात करूँगा आपके साथ लोढ़ा डेवलपर्स की, मैं बात करूँगा आपके साथ हीरा नंदानी की, मैं बात करूँगा आपके साथ जियो टावर की। देखो सुनो, ये जो बड़े बड़े क्या होते हैं, ये जो बड़े बड़े यहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी टाउनशिप बनाते हैं। क्या करते हैं बोलो? ये बहुत बड़ी टाउनशिप बनाते हैं। आ जाओ, दिला दूंगा, समझ रहे आप बात को? कारपेट एरिया 2400x2400 का, आ जाओ दिला दूंगा, ऐसा इनका चलते रहता है। बहुत बड़े बड़े बेटा ये लोग क्या करते हैं, टाउनशिप्स बनाते हैं। अब ये जो इतने बड़े टाउनशिप्स है ना, ये इंडिया के लोगों के लिए नहीं बनाते, ये लोग चाहते हैं कि बाहर के लोग जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, जिन्होंने बहुत पैसा जमा करके रखा है, और वो क्या करना चाहते हैं, वो इंडिया के अंदर, सुनिए ना बात को, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम एक काम करेंगे ना, हम उनको बेचेंगे बेटा ये फ्लैट्स, है ना? तो ये क्या करेंगे, टाउनशिप वाले क्या करते हैं, बाहर के देशों में, सुनिए बात को, टाउनशिप वाले बाहर के देशों में अपने एजेंट रखते हैं। कौन रखते हैं, किसको रखते हैं बोलो? एजेंट्स रखते हैं। और ये एजेंट्स जो है, ये एजेंट्स बाहर के फॉरेनर्स को, ओहो, बाहर के फॉरेनर्स को, बाहर के फॉरेनर्स को यहां पे सेल करते हैं। किसको? फ्लैट्स को। सेल करते हैं फ्लैट्स को, ठीक है? हाँ, अब सुनिए बात को। अब ये जो सेल हुआ, इस सेल के ऊपर ये एजेंट को क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है। बोलो क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है। ये कमीशन देगा कौन? टाउनशिप का ओनर, जैसे हीरा नंदानी, जियो टावर, लोढ़ा डेवलपर्स, ये लोग क्या देंगे बेटा? ये कमीशन देंगे। तो हम लोग जो कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम लोग इस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर सेल ऑफ फ्लैट्स होता है, और वो भी अब्रॉड में सेल ऑफ फ्लैट्स होता है, और किसी एजेंट के द्वारा होता है, तो उस एजेंट को कमीशन देना है अपने को, तो वो कमीशन की लिमिट अपन लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो लिमिट क्या है वो कमीशन की, देखो वो कमीशन की लिमिट यहां पे रहने वाली है $25,000, $25,000, और % ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, विच एवर इज लोअर। क्या बोला यहां पे? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ये आपकी लिमिट रहेंगे। और इस लिमिट के ऊपर, इस लिमिट के, ये जो एक लिमिट हमने डिसाइड करके रखी है, इस लिमिट के ऊपर जाके आप पेमेंट अगर करना चाहते हो, तो आपको क्या लगेंगी? आपको यहाँ पे परमिशन लगेंगी। एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं आपके साथ, सुनो बात को, ध्यान दो। जैसे देखो, सुनिए, देखो क्या हुआ यहां पे, मैं बात करूंगा लोढ़ा डेवलपर्स के बारे में, ठीक है? बाहर से इनको पैसा आ रहा है कितना? $1,000,000 पहले ट्रांजैक्शन में,
और दूसरे ट्रांजेक्शन में पैसा आ रहा है $1,00,000। कितना आ रहा है बोलो? $1,00,000। इसके ऊपर ये लोग कमीशन देने वाले। कितना कमीशन देने वाले सर? 10% का कमीशन यहाँ पे ये लोग देने वाले हैं, ठीक है? 10% का कमीशन देंगे। मतलब सर कमीशन इसके ऊपर कितने का कमीशन बनने वाला है? सर कमीशन यहाँ पे बनने वाला है, पहले के इसके अंदर कमीशन बनेगा इसका कितने का बोलो? $1,00,000 का। और सर यहाँ पे सेकेंड इसमें कितने का कमीशन बनने वाला है? $10,000 का। बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर। अब लिमिट निकालते हैं अपन। इनवर्ड रेमिटेंस की लिमिट कितनी होने वाली है? पहले ट्रांजेक्शन की लिमिट इनवर्ड रेमिटेंस 10,00,000। 10,00,000 का 5% होने वाला है $50,000। $50,000 या $25,000 विच एवर इज लोअर। तो पहले केस के अंदर सर यहाँ पे कितना आने वाला है बोल दीजिए सारे के सारे लोग। कितना आने वाला है यहाँ पे? सभी लोग बोलेंगे सर पहले केस में यहाँ पे लिमिट आने वाली है $25,000 की। कितने की लिमिट है? $25,000। दूसरे केस में अगर मैं बात करूं तो $1,00,000 का ये आ रहा है यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस आ रहा है। इसका 5% कितना होगा बेटा? इसका 5% होने वाला है $5,000। $5,000 या $25,000 विच एवर इज लोअर। तो $5,000 यहाँ पे बात की जा रही है। तो दोनों केस के अंदर, क्या दोनों केस के अंदर आपको लगता नहीं अपने को परमिशन लगने वाली है? हाँ सर, दोनों केस के अंदर अपने को परमिशन लगेंगी, इतना तय है। क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों केस के अंदर अपने को परमिशन लगेंगी, इतना तय यहाँ पे हो गया है क्या? बिल्कुल सर, इतना तय यहाँ पे हो चुका है ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। दोनों केस में परमिशन लगने वाली है। परफेक्ट है? एब्सोल्युटली परफेक्ट है सर। ठीक है, समझा क्या? बोलो जल्दी से मुझे, समझा क्या? है ना, दोनों केस में अपन ने लिमिट निकाली अलग अलग, और वो लिमिट निकालने के बाद अपन ने फाइनलाइज किया कि क्या परमिशन लग रही है या परमिशन नहीं लग रही है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ आपके साथ। ठीक है, जमा क्या? सभी लोग बोलो जम रहा है क्या? है ना, यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से जम रहा है। अब आ जाओ, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, मान लो इसका जो कमीशन है वो 1% तय हुआ है, तो 1% में कितना होने वाला है? $1,00,000। कितना होने वाला है बोलो? $1,00,000। ठीक है, अब अपन लिमिट निकालते हैं। लिमिट कितनी रहेंगी सर? 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। कितना है 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस? 5% ऑफ 100,00,000 यानी कि $5,00,000। बराबर, पहला या दूसरा USD कितना? 5,000 ना। USD कितना है बोलो जल्दी से सभी लोग? USD 5,000 है कि 25,000 है? 25,000। दोनों का लोअर यानी कि कितना हुआ? USD 25,000 रहा क्या? यस सर, USD 25,000 यहाँ पे रहता है। USD कितना हुआ? USD यहाँ पे 25,000 रहता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर रहता है। ठीक है, बताइए मुझे जल्दी से कितना रहता है यहाँ पे? 25,000 रहता है। ठीक है, आइए अब ध्यान दो यहाँ पे, सुनिए बात को। एक मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँ, और वो कौन सी ट्रिक है सर ये बताइए। यहाँ पे ऊपर लिखा था लेस, समझना। यहाँ पे क्या लिखा था? लेस लिखा था। आप सोच के देखो ना यार, यहाँ पे होने क्या वाला है? मतलब हर केस में मेरे को ज्यादा भी यहाँ पे अगर कमीशन देना है, मैं नहीं दे पाऊंगा एजेंट को कमीशन, और इससे एजेंट नाराज होने वाला है। तो ऐसे केस, सुन लो बात को, ऐसे केस के अंदर ये लोगों ने क्या करके रखा है? यहाँ पे जो लिमिट इधर दे के रखी है ना, ये लिमिट यहाँ पे आप देख रहा होगा, ये लिमिट किसकी दे के रखी है? ये लिमिट दे के रखी है मोर की लिमिट। सुनिए बात को, आप समझ रहे हैं क्या बात को जो मैं कहना चाहता हूँ? ऊपर जो लिमिट है वो किसकी लिमिट है? लेस की। लेकिन वो उस ट्रांजेक्शन की लेस की लिमिट है, लेकिन इस ट्रांजेक्शन की लिमिट मोर दे के रखी है। मोर का क्या कहना है? मोर का ये कहना है कि सर इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, यानी कि कितना ज्यादा है? $5,00,000 ज्यादा है, तो आपका कमीशन $5,00,000 जितना आप यहाँ पे दे पाओगे, ऐसा इनका कहना है। कमीशन कितना बन रहा है? $1,00,000 का दे देंगे क्या? दे देंगे सर। ऊपर वाले केस में 5%, समझना, 25,000 या 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस कितना आ रहा था पहले वाले केस का? सर 50,000 आ रहा था। तो ऊपर वाले केस में 50,000 यहां पे डॉलर की लिमिट आ रही थी, फिर भी 1,00,000 का कमीशन बन रहा था, अपने को परमिशन लगेंगी। नीचे वाले केस में 25,000 की लिमिट आने वाली है, तो 25,000 के केस में परमिशन लगेंगी क्या? नहीं सर, परमिशन नहीं लगने वाली। मतलब एक बात बताऊं मैं आपको, एक लिमिट सुन लो कैसा होगा। मिनिमम 25,000, देखो डॉलर 25,000 के नीचे का पेमेंट है ना, उसके लिए आपको लगने ही नहीं वाला है पैसा।
अब आप यहाँ पे ये चेक कर लो कि 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस अगर फिर भी ज्यादा आ रहा है तो फिर और परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अरे समझे क्या बात को, क्या बात को समझ रहे क्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कम ऑन एवरीवन जल्दी से देखो क्या होगा। अगर अपन ने लोअर वाली लिमिट रख दी है ना, एजेंट का कमीशन नहीं बनेगा उसमें, या एजेंट को पैसे देने में उनको दिक्कतें होंगी क्योंकि अपने से परमिशन लो तो यहाँ पे एजेंट्स नाराज हो गए, एजेंट्स नाराज हो गए तो फ्लैट्स नहीं बिकेंगे, फ्लैट्स नहीं बिकेंगे तो फॉरन एक्सचेंज नहीं आएगा, तो अपना नुकसान है ना। एक काम करो, हायर की लिमिट यहाँ पे डाल के रख दो, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या बात को समझे? कम ऑन एवरीवन, आओ एक और मैं आपको सवाल कराना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डेवलपर है बेटा, इनवर्ट रेमिटेंस कितने का आ रहा है? इनवर्ट रेमिटेंस $50,000 का आ रहा है, ठीक है। कमीशन कितना देना है आपको? कमीशन यहाँ पे आपको 20% का देना है, ठीक है। तो कितना कमीशन हो रहा है बताइए मुझे? 10% होने वाला है, 5,000, 20,000 होने वाला है डॉलर, 10,000 का यहाँ पे कमीशन बन रहा है। आओ अब लिमिट अपन तय करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लिमिट देखो क्या, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, 5% ऑफ इनवर्ड, इनवर्ड कितना पैसा आया बोलो मुझे? $50,000 आया सर। 5% कितना होगा? क्या 2,500 होने वाला है? क्या सभी लोग बोलेंगे हाँ सर यहाँ पे 2,500 रहने वाला है? बिल्कुल सही बात है सर, $2,500 यहाँ पे रहेगा। और USD 25,000 विच एवर इज हायर कितना आ रहा है बोलो? ये लिमिट। कमीशन कितना बन रहा है? 10,000 का। क्या लिमिट में है? क्या हाँ सर लिमिट में है, कमीशन दे डालो, पूछना भी मत, दे डालो कमीशन। क्या बोला मैंने? कमीशन दे डालो। तो देखो क्या लिमिट क्या रहेंगे, देख लो। फटाफट देखो इसको। जमा है क्या बोलो? सारे के सारे लोग एकदम बढ़िया से समझ गया क्या आपको? यस सर। चलिए आइए अब देखो फिर क्या बोला जा रहा है। रेमिटेंसेस फॉर रेमिटेंसेस एक्सीडिंग कितना देख लो यहाँ पे, $1,00,000 है क्या? सभी लोग देखो $1,00,000 है क्या? हाँ सर $1,00,000 के बारे में बात कर रहा है ना। कितना हुआ यहाँ पे? $1,00,000 में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कौन से चीज के लिए? कंसल्टेंसी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। तो अगर आप $1,00,000 से ऊपर का कमीशन, $1,00,000 से ऊपर का आप रिमिट कर रहे हो पैसा, ताकि सामने वाले व्यक्ति ने जो कंसल्टेंसी सर्विसेज दिया उस चीज के रिगार्डिंग, या यहां पे बोला जा रहा है $1,00,000 पर प्रोजेक्ट फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोक्योर्ड, मतलब जो दूसरी, देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हम लोग बात करेंगे कंसल्टेंसी। सर्विस, ठीक है, इंफ्रा से रिलेटेड है क्या और अदर से रिलेटेड है क्या? इंफ्रा से रिलेटेड है क्या? तो डॉलर कितना कह दो? डॉलर $1,00,000 बोला है क्या? नो सर, कितना बोल के रखा है यहाँ पे? $1,00,000 बोल के रखा है। कितना बोल के रखा है बोलो? $1,00,000 बोल के रखा है, ठीक है सर, $1,00,000। अदर है क्या? हाँ सर, डॉलर कितना बोल के रखा है? $1,00,000 यहाँ पे कह के रखा है। तो अगर ये एक लिमिट है, डायरेक्ट लिमिट सेट करके रखी है। तो अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हो देश के बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसके ऊपर कंसल्टेंसी का पैसा दे सकते हो। कितना? $1,00,000 तक आप दे सकते हो। सर अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर में से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज रहते हो तो ऐसे केस में $1,00,000 तक का आप कंसल्टेंसी का पेमेंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। समझ गए क्या बात को? कम ऑन एवरीवन जल्दी से बोलेंगे क्या बात को समझ गए क्या? एकदम आसान है, तो डायरेक्ट चीज है, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, है ना। फटाफट ये तीनों चीजों को पढ़ेंगे, जल्दी से तीनों चीजों को एक बार गो थ्रू करो। ये जो अपन ने देखा अदर देन इंडिविजुअल के केस के लिए, फटाफट इसे गो थ्रू करेंगे जल्दी से। बिल्कुल
चलो हो गया क्या आप लोगों का? बोलो जल्दी से, डन है? एजेंट वाला पॉइंट रिपीट करना एक बार, ये वाला देखो आओ सुनो। मैं जय तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तुम एक बिल्डर हो बेटा, ठीक है? अब तुमने क्या किया, अब तुमने ना बढ़िया बढ़िया फ्लैट स्कीम्स बनाई है, मस्त मस्त फ्लैट स्कीम्स बनाई है। अब आप ये फ्लैट स्कीम्स को बेचना चाहते हो इंडिया वालों को, नहीं इंडिया के बाहर बेचना चाहते हो, तो आपको एजेंट तो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, बाहर एक एजेंट को अपॉइंट किया। एजेंट का नाम क्या था? जेम्स, है ना, ये एजेंट का नाम था। अब यहाँ पे एजेंट क्या कर रहा है, आपकी मार्केटिंग कर रहा है, और मार्केटिंग करके यहाँ पे आपके लिए क्या लाने वाला है, क्लाइंट्स लाने वाला है। और ये क्लाइंट्स आपको क्या देने वाले, ये जो क्लाइंट्स है बेटा, ये क्लाइंट्स आपको पैसे देने वाले, समझना बात को, है ना, ये पैसे देंगे आपको, जितना भी आपका पैसा बनेगा और डॉलर वगैरह में आपको पैसा मिलने वाला है। अब आपको इन पैसे में से क्या एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ सर, एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। तो इस कमीशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है? ठीक है सर, अब बताओ सर कितना कमीशन दे सकते हैं? तो पहले लिमिट सेट करते हैं, ठीक है? लिमिट में क्या बोला गया, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। मान लो वहां से आपको $100,000 आया, उसका 5% कितना होता है, $5,000। $5,000 इनवर्ड रेमिटेंस, मतलब वहां से कितना पैसा आ रहा है फ्लैट को बेच के, उसको इनवर्ड रेमिटेंस बोला गया, इनवर्ड रेमिटेंस का 5%, ठीक है? एकदम बढ़िया सर, ओके। दूसरी लिमिट क्या बोली जा रही है, देखो दूसरी लिमिट बोली जा रही है $25,000 की, ये फिक्स्ड अमाउंट है $25,000 की। अब इन दोनों में से विचेवर इज हायर वो आपके लिए लिमिट बनेंगी। 5,000 और 25,000 में से हायर क्या है बेटा, 25,000। तो अपन क्या बोलेंगे, 25,000 यहाँ पे लिमिट रहने, समझ रहे क्या बात को? बोलो जल्दी से मुझे, यस सर। सर वही अगर यहाँ पे ये $1,000,000 हो जाता तो ये हो जाता $50,000, तो यहाँ पे लिमिट क्या बन जाती, $50,000 की लिमिट बन जाती, समझ रहे हैं क्या? अरे बोलो 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 बोलो, क्या बात को समझ रहे हैं क्या? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। फटाफट देख लो, जल्दी से गो थ्रू करो, जल्दी से गो थ्रू करो इसे। अगले 2-3 दिन में 7 तारीख तक अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, है ना? फिर अपन नया चैप्टर चालू कर देंगे, कंपनी सेक्ट भी चालू कर देंगे। 11 तारीख से भले अपन ऐप पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर अपन चालू कर देंगे। पच्चीस हजार के ऊपर गया तो परमिशन नहीं बेटा, दोनों में से आपको लिमिट निकालना है, वो लिमिट से ऊपर गया तो परमिशन। लिमिट कैसे निकालेंगे, $25,000 या इनवर्ड रेमिटेंस $5,000, विचेवर इज हायर वो लिमिट बनाता है, और लिमिट के ऊपर गया तो परमिशन, लिमिट के नीचे है तो परमिशन नहीं लगेगा। ऐसा मतलब यहाँ पे लिमिट अगर $25,000 की निकल के आई, तो अगर आपने $25,000 के ऊपर पेमेंट किया तो परमिशन, लेकिन लिमिट अगर आपकी $50,000 की निकल के आई, तो $50,000 के ऊपर का पेमेंट होना चाहिए कमीशन के तौर पर एजेंट को, तब जाके आपको परमिशन लगेंगी, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं लगेंगी, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। समझ रहे हैं क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या बात को समझ रहे हो क्या? हो गया? चलो आओ देखो, आ जाएंगे अपने नोट्स के ऊपर, अपना कहाँ तक हुआ था लिख के, हाँ NRSA अकाउंट तक हो चुका था, ठीक है। शेड्यूल 2 लिखना है अब अपने को, परमिशन ऑफ CG, ऐसा परमिशन ऑफ CG, ठीक है। चलो देखो, पहले डिपार्टमेंट लिख के रख देते हैं,
सबसे पहले डिपार्टमेंट अपन HRD का डालते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट अपन किसका डालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डालेंगे, तीसरा अपन किसका डालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का डालेंगे, फिर यहाँ पे डायरेक्टर शिपिंग जनरल का डालेंगे, और इसके अलावा लास्ट वाली जो चीज रहने वाली है वो है MOIB का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फो टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ चले क्या आगे, बोलो जल्दी से, क्या हम आगे बढ़े क्या? यस सर, चलिए आइए ध्यान दीजिए। आओ पहला करेंगे, आ जाओ देखो यहाँ पे पहला क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कल्चरल टूर, दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे समाप्त होता हुआ सर, दूसरा HRD से रिलेटेड क्या है, चलो रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्यूबाई पटेल जी शू आ गया स्वाद, आइए रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बाय पर्सन अदर देन नेशनल स्टेट या इंटरनेशनल, एंड अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 1 lakh, ठीक है, $1 lakh जमा क्या, यस yes. एक काम करेंगे आज के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूँगा कि मेरा ultimatecA.com के ऊपर बैच आ रहा है CA इंटरमीडिएट का, और ये बैच कब से आ रहा है आप यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव बैच ये चालू होने जा रहा है मेरा 11 तारीख से, वैसे फेमा यूट्यूब के ऊपर से ही कवर करना है, 11 तारीख से बैच ऐप के ऊपर शिफ्ट होने वाला है, लाइव बैच होगा 9 months and 3 views, व्यूज़ का मतलब होता है अगर 60 minutes का लेक्चर होता है तो उस लेक्चर को आप 180 मिनट तक बार बार देख सकते हो, व्यूज का मतलब चालू बंद नहीं होता, मैं आपको बतवा दूं, ठीक है, अप्रॉक्स 80 लेक्चर्स रहेंगे, 3 books आपको दिए जाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स भी यहाँ पे लिखा गया है, टाइमिंग क्या रहने वाला है सर 11:45 से लेके 1:15 तक इसका या 1:30 तक इसका टाइमिंग रहने वाला है हमारे रेगुलर बैच के अंतर्गत, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, आज के लिए करेंगे इतना, इसकी जो लिंक है ये मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके रखा हूं, आप उसको चेक कर सकते हैं, मेरा लॉ और ऑडिट का कॉम्बो भी अवेलेबल है बेटा, लॉ और ऑडिट का कॉम्बो भी आप यहां पे ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहां पे लॉ और ऑडिट मैं ही कवर करूंगा पूरा, लॉ यहां पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस और ये और ऑडिट की आपको पेन ड्राइव मिलेंगे, और इसका जो कॉम्बो है वो लगभग 12,000 के आसपास अवेलेबल है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, मैं दोनों के लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देता
करता हूँ. टिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय. जो कल कितने बजे होने वाला है, 10:45 को यहाँ पे, सॉरी 11:45 को यहाँ पे.